बनिया माऊ में बहनोई से झगड़े के बाद सलहज ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। सीतापुर जिले के मछरेटा थाना क्षेत्र की ये घटना है। यहाँ पर एक बबली नाम की महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये घटना रविवार को सीतापुर जिला अस्पताल में प्रकाश में आई। दरअसल आपको बता दें कि बबली के पति जो हैं वो संदीप हैं, और संदीप के पिता का ये कहना है कि उनके दामाद यानी कि बबली के बहनोई, बबली और संदीप के बहनोई हैं, उनसे बबली का विवाद हुआ था, और इसके बाद क्या बातचीत हुई थी ये उनको नहीं पता है, और बबली ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो वहीं बता दें कि इनके शव को फंदे से नीचे उतारा गया था, और जिस वक्त ये घटना हुई थी उस समय बताया जा रहा है कि घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो घर पर मौजूद नहीं थे। फिलहाल इतना जरूर सामने आया है कि बबली का उसके भानोई से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल इसके शव का पंचनामा भरकर जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया हुआ है। मामला भैया, ना हमारे बच्चे से कोई बातचीत है, ना हमसे। बाकायदा हंसते बोली पापा कहे सुनते सुनते बाकायदा बोली बतला तो कहीं से हमका मैसेज भेज जाओ। तो ये मैके लेके गए, कल्हे के बात है। मायके कहाँ? सस्ते उनकी ससुराल ससुराल। हाँ, हुआ पर ये वापस आए कहीं पे खाना वाना खाए, खाना बनाई सब खाए खाना, फिर वापस आए और पीके 2 घंटा बाद ये फिर फोन आवा। तो मोबाइल इनके तो रहा नहीं, हमारे तो रहा। तो हम खन अब है गयुक दिया और वह फिर खाती तो कहीं नहीं जरूरत पड़ी गए तो हम खन का जरूरत पर महाकारी बाप गई दो तीन दिन रुको तब आयो। अब काम सब बन रहे हैं मान लियो ठीक, तो कहीं ना पापा पठाई दो ले जाए। तो हम कहें उसका कुछ महाकारी तेरे बातचीत हो गए हो, तो हम इनका घर भेज ही लगाए। कहते बाद में हमारे दमाद तेरे और हमारी बकरी से बातचीत भाई है। अच्छा, तभी उसी में वो फांसी लगा ली। फांसी काहे से लगाई? साड़ी से। साड़ी ना टुकड़ा रहा है। हाँ, कहाँ का मामला है? ये बनिया में। बनिया में था ना? मछरेटा। क्या नाम है इनका, आपके बेटे का, जिनकी पत्नी थी? संदीप। संदीप